हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चित्रकला, ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं चित्रकला के, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया जो है वो चित्रकला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, हमारे क्या है कि 11 अप्रैल को पेपर है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी के कमेंट को देखते हुए मैंने सोचा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए आज मैं आपके सामने दोस्तों चित्रकला के प्रमुख 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों देखिएगा। वैसे तो मेरा यह सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ना तो मेरा हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है ना चित्रकला है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बहुत हेल्प कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मैं अपना 100% बेस्ट देने का प्रयास करूंगा दोस्तों, और आपको भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करके जाना है। और मैं देखिएगा, ये मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं 15, ये 15 के इस क्वेश्चन को 15 को मैं 30 बना दूंगा डायरेक्ट, देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूंगा आपके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों मैं तैयारी के साथ आया हूं चित्रकला के प्रमुख 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे दोस्तों, नीचे फोन पे नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो प्लीज़ आप सभी की मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अब जैसे ही आपका 12th एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा 11 अप्रैल के बाद में आप फ्री हो जाएंगे, तो फिर आप करना चाहेंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों मैं प्रतियोगी परीक्षा की जबरदस्त तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो जबरदस्त तैयारी के लिए दोस्तों चाहिए डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड दोस्तों मैं अकेला नहीं ला सकता हूँ, इसलिए इसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आपसे जो भी बनता है दोस्तों। ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप 50 रुपये, ठीक है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये या 20 रुपये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल करिएगा। ठीक है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, मैं किसी एक को पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपकी हेल्प चाहिए, सभी मित्रों से मैं बिल्कुल हेल्प मांगना चाहूँगा, बिल्कुल आप सभी सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, कि चिड़िया चोच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, धन दिया धन नहीं घटे कह गई दास कबीर। ठीक है, तो दोस्तों देखो, कबीर दास जी भी कहते हैं कि इतना बड़ा समुद्र भरा रहता है, उसमें से चिड़िया चोच भर पानी के लिए चली जाती है, तो क्या समुद्र का पानी खत्म होने वाला है? नहीं ना। उसी प्रकार आप धन देने से बिल्कुल आप धन में वृद्धि होगी, लेकिन धन कम नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस धन का यानी कि सही सदुपयोग करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे, इसलिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, डिजिटल बोर्ड लाना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाइएगा मिलकर बोझ उठाना, इसलिए दोस्तों डिजिटल बोर्ड चाहिए। तो दोस्तों मैं अकेला जो है, डिजिटल बोर्ड बहुत महंगा आता है, तो मैं अकेला तो ला नहीं सकता, इसमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। तो बिल्कुल दोस्तों आपसे जो बनते हैं 20 रुपये 50 रुपये तो बिल्कुल सेंड कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि किन किन दोस्तों ने मेरी मदद की है। ठीक है, अब बिल्कुल दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, आपके सामने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं मजे से आपको याद करवा दूंगा, आप टेंशन ना ले। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका पेपर नजदीक है, आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन आप जुड़े हैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन के साथ, मैं अपना 100% बेस्ट देने का प्रयास करूंगा दोस्तों, और इसका परिणाम भी जो है वो आपको 100% बेस्ट यानी सकारात्मक ही मिलने वाला है। चलो दोस्तों देखिएगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिया है दोस्तों, अब मैं थोड़ा चेंज हो जाता हूँ दोस्तों। अब आप कहेंगे भी कैसे चेंज, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों देखिएगा, आपके सामने मैंने लिए हैं 15 क्वेश्चन, ये वे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, एक एक प्रश्न को याद कर लेगा अच्छे से। तो देखिएगा यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है, जो राजपूत चित्रकला है, राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मेरे प्यारे मित्रों आपको ध्यान रखना है, राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी दोस्तों राजपूत चित्रकला पुस्तक के क्या है, रचयिता है, अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना, राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है, आनंद कुमार स्वामी। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर बोलने वाला हूँ, आपको ध्यान रखना, इस प्रश्न से संबंधित और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये तो आपके बात क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता हो गया आनंद कुमार स्वामी, नोट कर लीजिएगा। पहली बात यह है, आपको पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन से संबंधित कि महावीर का जन्म चित्र किस ग्रंथ से संबंधित है, तो महावीर का जन्म चित्र दोस्तों कल्पसूत्र ग्रंथ से संबंधित है, और कल्पसूत्र जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, तो भद्रबाहु ने लिखा था, यह भी आपको ध्यान रख लेना है।
इसके तहत मैं और बता देता हूँ, महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो किस सूत्र में संकलित है, तो ध्यान रखना दोस्तों उत्तर ध्यान सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र में संकलित है, तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है, योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन हो गए, तो आनंद कुमार स्वामी, ध्यान रख लेना दोस्तों आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी जो है, आनंद कुमार स्वामी ये अपने देखिएगा राजपूत चित्रकला पुस्तक के क्या हो गए, रचयिता हो गए। और योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है, तो ध्यान रखना दोस्तों दक्कन शैली, कौन सी शैली हो जाएगी, दक्कनी शैली, कौन सी शैली हो जाएगी, दक्कनी शैली, तो यहां पर आप लिख लेना दोस्तों दक्कनी शैली, ठीक है दक्कनी शैली। योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है, तो योगिनी, योगिनी चित्र का संबंध दक्कनी शैली से है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको और पूछा जा सकता है कि पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो पहाड़ी के, पहाड़ी शैली का जो मुख्य केंद्र है वो बसोली है, पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र पूछा जाए तो बसोली आपको करना है। बंगाली शैली के प्रवर्तक कौन है, बंगाली शैली के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो अवनींद्रनाथ, अवनींद्रनाथ देखिएगा, अवनींद्रनाथ ये जो है बंगाली शैली के क्या प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि बीकानेर शैली के प्रवर्तक कौन है, तो बीकानेर शैली के प्रमुख जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे हैं अनूप सिंह, बीकानेर शैली के प्रवर्तक कौन है, अनूप सिंह, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बोले वो भी आपको याद रखने हैं। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों गीत गोविंद जो ग्रंथ है इसके रचयिता है जयदेव, कौन है, यहां पर आप कर देना जयदेव, देखिएगा जयदेव, जयदेव जो है वो गीत गोविंद ग्रंथ के क्या है, रचयिता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए था। इसके बाद हम बात करते हैं देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेगा। देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों, देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ देलवाड़ा जैन मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रमुख विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि 48 खंभों पर नृत्यांगनों की मूर्ति लगी हुई है, 48 खंभों पर नृत्यांगनों की मूर्ति लगी हुई है, ध्यान रखेंगे देलवाड़ा जैन मंदिर की यह प्रमुख विशेषता है। आपको पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों कि रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में है, तो रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों पाली जिले में है, रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों ध्यान रख लेना, रणकपुर का जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है, थरणकसा ने बनाया था, कुंभा के समय बनाया था, देपा के देखरेख में बनाया था, तो रणकपुर का जैन मंदिर कई बार पूछा भी गया है, तो रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को किसको कहते हैं, तो किराडू मंदिर, ठीक है बाड़मेर के अंदर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रख लेने दोस्तों, अच्छे से याद कर लेने। इसके बाद मैंने आपके लिए पांचवा क्वेश्चन लिया है कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, चांद बावड़ी का निर्माण जो है वो कौन करवायो, ध्यान रख लीजिएगा चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों राजा मीर भोज ने, किसने करवाया था दोस्तों चांद बावड़ी का निर्माण, राजा मीर भोज, देखिएगा राजा मीर भोज ने दोस्तों चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है चांद बावड़ी ध्यान रख लेना दोस्तों, ठीक है ये चांद बावड़ी हो गया, इसका आंसर जयदेव हो गया, ये कुछ आपको ध्यान रख लेने हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला राजस्थान में किस नगर से संबंधित है, पिछवाई जो है पिछवाई चित्रकला राजस्थान के किस नगर से संबंधित है, तो पिछवाई कला आप सभी को पता होगा दोस्तों नाथद्वारा के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की, और नाथद्वारा कट पड़े है दोस्तों, तो नाथद्वारा और राजसमंद जिले में है, नाथद्वारा राजसमंद, तो नाथद्वारा की दोस्तों ध्यान रखना पिछवाई चित्रकला जो है वो प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रकला राजस्थान में किस नगर से संबंधित है, तो ध्यान रखना नाथद्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करता हूं बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी किस शैली का चित्र है,
तो आपको ध्यान रख लेना प्यारे मित्रों, बड़ी ठेणी किस क्षेत्र की, किस शैली की प्रमुख शैली का चित्र है, तो आप लिख देना दोस्तों किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली आपको ध्यान रख लेना है, किशनगढ़ शैली मेरा प्यारा मित्रों अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है, किशनगढ़ शैली संबंधित है दोस्तों। किशनगढ़ शैली से कौन सी जो है वो चित्र शैली संबंधित है, तो बनी ठणी, बनी ठणी किस शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से। इसके बाद है आधुनिक भारतीय चित्र शैली का उद्भव। देखिएगा अब कुछ कहोगे भाई एक्स्ट्रा फैक्ट क्यों नहीं बता रहे हो, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताओ, आपको पूछा जा सकता है बिल्कुल। बनी ठणी किस शैली का चित्र है, किशनगढ़ शैली का चित्र है। अब आपको पूछा जाएगा कि किशनगढ़ शैली का चित्रकार जो है वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार बताइए, तो ध्यान रखना नियाल चंद्र जो है, नियाल चंद्र किस शैली का नियाल चंद्र किस शैली का प्रमुख चित्रकार है, तो नियाल चंद्र जो है वो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार है। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि नियाल चंद्र जो है वो किस शैली का प्रमुख चित्रकार है, तो किशनगढ़ शैली का प्रमुख दोस्तों चित्रकार है। इसके बाद है आधुनिक भारतीय चित्र शैली का उद्भव कहां से हुआ था, कहां से माना जाता है आधुनिक भारतीय चित्र शैली का उद्भव कहां से माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों आधुनिक भारतीय चित्र शैली का जो उद्भव है वो कलकत्ता से माना जाता है। देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों अच्छे से आपको ध्यान रखना है, आधुनिक भारतीय चित्र शैली का जो उद्भव है वो कलकत्ता से माना जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, सभी क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। देखिएगा आगे बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। देखिएगा बताइएगा आप कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, कौन सा नवा क्वेश्चन था बताओ, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में मेरे प्यारे मित्रों, उड़ीसा राज्य में, आपको ध्यान रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। सुनो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, एक एक पर्सन को याद कर लेगा, तो सबको याद करना है ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है राग मेघ किस शैली का चित्र है, राग मेघ किस शैली का प्रमुख चित्र है, तो राग मेघ किस शैली का चित्र है, तो देखेगा राग मेघ ध्यान रखना मालवा शैली का प्रमुख क्या है, राग मेघ किस शैली का चित्र है, तो आप लिखेंगे मालवा शैली, किस शैली का है दोस्तों, मालवा शैली का है। देखेगा मालवा शैली, अब आप कहेंगे भाई मालवा शैली से और प्रश्न बन सकता है, जरूर बन सकता है दोस्तों, जरूर बन सकता है। ध्यान रखिएगा भागवत पुराण किस शैली से संबंधित है, तो भागवत पुराण दोस्तों मालवा शैली से संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालवा शैली से भागवत पुराण का संबंध है, भागवत पुराण जो है भागवत पुराण ये किस शैली से संबंधित है, भागवत पुराण तो मालवा शैली से संबंधित है, और राग मेघ किस शैली का चित्र है, तो मालवा शैली का चित्र है। अच्छे से आपको याद कर लेना दोस्तों ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही ना सबके, अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी इजी सब्जेक्ट है दोस्तों चित्रकला, चित्रों संबंधित ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किस भाषा में लिखा गया है, तो रसिक प्रिया किस भाषा में लिखा गया है, तो आप सभी को पता है, एक बार कमेंट करिएगा फटाफट दोस्तों, रसिक प्रिया जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, सबको पता है ब्रज भाषा, बिल्कुल बिल्कुल रसिक प्रिया किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में, ध्यान रख लेना ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में लिखा गया है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया ब्रज भाषा में लिखा गया है। बिहारी सत्सई की रचना कब हुई, 1662 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा बिहारी सत्सई की रचना कब हुई थी, तो 1662 ईस्वी में हुई थी ठीक है, 1662 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है, 1662 ईस्वी में हुई थी बिहारी सत्सई की रचना। ढोला मारू किस शैली की कृति है, मेरे प्यारे मित्रों अच्छे से बताइएगा ढोला मारू जो है वो किस शैली की कृति है। सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अच्छे से बताइएगा, जो ढोला मारू है वो किस शैली की कृति है, तो आप सभी को पता होगा मारवाड़ शैली की कृति है, किसकी कृति है, मारवाड़ शैली की, तो यहां पर आप कर देंगे मारवाड़ शैली की प्रमुख जो है वो कृति कौन सी है, ढोला मारू की, जो ढोला मारू है वो किस शैली की कृति है, तो मारवाड़ शैली। इसके बाद आगे लिख रखा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताओ, तो आप सभी को पता होगा बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम बताना है, तो बाबर से ध्यान रखना बाबरनामा, देखिएगा बाबर से आपको ध्यान रखना है बाबरनामा, जो बाबरनामा है ठीक है, ये बाबर की आत्मकथा हो गई ठीक है, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बात आ रही ना समझ में? आप सभी के कमेंट आ रहे थे, बताओ भाई बताओ चित्रकला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो आज मु लेर आ गयो था का सामने वीडियो था ना, सबने अच्छो लाग रहे हो नहीं लाग रहे हो मैंने कमेंट में बता देना। ये 15 वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन है, एक बार फटाफट रिविजन कर लीजिएगा। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेगा। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन, राजपूत चित्रकला पुस्तक रचयिता है? तो आनंद कुमार स्वामी जो है वो राजपूत चित्रकला पुस्तक क्या है? रचयिता है। योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है? तो योगिनी चित्र का संबंध दक्कनी शैली से है। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता है? तो गीत गोविंद ग्रंथ जो है इसके रचयिता है जयदेव। इसके बाद देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली से है। ये प्रमुख आपको पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मीर भोज ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। पिछुआ चित्रकला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो नाथद्वारा राजसमंद जिले से संबंधित है। बनी ठणी किस शैली का चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। इसके बाद आधुनिक भारतीय चित्र शैली का उद्भव कहां से माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय शैली का जो उद्भव है दोस्तों वो कलकत्ता से माना जाता है। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद मैं बात करता हूं राग मेघ किस शैली का चित्र है? तो राग मेघ दोस्तों मालवा शैली का प्रमुख चित्र है। और मालवा शैली से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भागवत पुराण का संबंध किस शैली से है? तो मालवा शैली से है। नेक्स्ट आगे देखते हैं रसिक प्रिया किस भाषा में लिखा गया है? तो रसिक प्रिया दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिहारी सत्सय की रचना कब हुई थी? तो बिहारी सत्सय की रचना हुई थी 1662 ईस्वी में, ध्यान रखना है। इसके बाद ढोला मारू किस शैली की कृति है? तो ढोला मारू दोस्तों मारवाड़ जो है शैली की कृति है प्रमुख। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबर हो गया, बाबरनामा हो गया। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और आप सभी दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड लाना है, मैं आपकी जबरदस्त तैयारी करवाऊंगा दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की। आप हमारे साथ बने रहना, सभी को मिलकर सपोर्ट करना है। आपकी जो इच्छा अनुसार 20 रुपये 50 रुपये जो भी आपकी इच्छा है आप इच्छा अनुसार भेजिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने वैसे किए भी हैं 500 रुपये, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आंकड़ा वो 500 तक पहुँचा है। तो भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। साहिल खानता नाम उनका, साहिल जी है, उन्होंने 500 रुपये किए हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को सपोर्ट करना है, ठीक है, तभी ही डिजिटल बोर्ड ला पाएंगे दोस्तों। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगा आता है, तो इसमें सभी का सपोर्ट चाहिए। सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।